हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस एजुकेशन। आई होप आपका टेंथ एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो जैसे कि थंबनेल देख पा रहे हो, समर फाउंडेशन कोर्स, तो जो ये 1 या 2 मंथ का जो गैप है उसके बीच आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए हम लेके आ रहे हैं समर फाउंडेशन कोर्स फॉर क्लास टेंथ बोर्ड अपीयर्ड स्टूडेंट। और ये स्टार्ट हो रहा है 28 मार्च से, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सो इस 45 डेज में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो जो चीज आपका छूट गया है, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है या फिर प्रैक्टिस नहीं किए हो टेंथ में, और उस बेसिस के थ्रू जो 11th में जो चैप्टर्स होगा वो हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करेंगे। और बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, जो कि सबका मैक्सिमम डाउट आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड उसका फॉर्मूला, क्वाड्रेंट जो कुछ भी पढ़े थे, एंगल्स साइन थीटा से लेके कोसेक थीटा तक सब कुछ डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद और क्या, हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन मतलब बहुत सारे टाइप्स का इक्वेशन तुम देख रहे होगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करके हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर कुछ बच्चे का ये सब डाउट होगा तो वो 11th में ज्यादा दिक्कत होगा, इसीलिए हम सॉल्व करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तुम तो 9th और 10th में नंबर सिस्टम पूरा पढ़े होगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11th में है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आया और कैसे आया और उसको यूज कैसे करेंगे, तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इस समर फाउंडेशन क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, तो तुम 9th से पढ़ते आ रहे हो, 9th 10th, स्टैटिस्टिक्स वही लेके चलेंगे 11th पे। 11th में एक्स्ट्रा चीज क्या है जो स्टैटिस्टिक्स में तुम जो कुछ भी पढ़े हो 10th में, मीन मीडियन मोड, वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसका बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद तुम्हें 11th में कुछ प्रॉब्लम ना हो इसकी स्टैटिस्टिक्स को 80% कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो 11th में एंटर करने के बाद जो स्टैटिक चैप्टर है सेट्स, वो थोड़ा हम 40-50% यहाँ पे कवर करेंगे। तो सेट एंड टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो कि फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है एंड पावर सेट पढ़े, तो वो सब हम पढ़ेंगे सेट एंड टाइप्स ऑफ सेट में। उसके बाद ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब जैसे कोन, रेक्टेंगल, इसका एरिया एंड वॉल्यूम, जो कुछ भी तुम पढ़े हो 10th में वो सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। और फॉर्मूला कैसे याद होगा, ज्योमेट्रिकल फिगर और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट होगा वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में भी है, 12th में भी है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम अच्छे से फोकस करेंगे इस 45 डेज में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम जो कुछ भी पढ़े हो 9th या 10th में, यहाँ पे सारे डिस्कस होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि 11th से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन एंड क्विक कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड क्विक कैलकुलेशन, कोई भी क्वेश्चन को हम कैसे क्विकली कैलकुलेट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन का एक्चुअली प्रोसीजर क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2-3 बच्चों का अलग अलग आंसर आता है, अगर इसका कुछ और आता है तो इसका कुछ और आता है, तो प्रोसीजर क्या होना चाहिए और कैसे सिंप्लीफाई करने से
वो परफेक्ट सिंप्लीफाई होगा, हम वो डिस्कस करेंगे और कैसे क्विकली कैलकुलेट होगा, जैसे कि हम डिवीजन हो या मल्टीपल हो, कुछ भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है, इसलिए हम कैसे क्विकली कैलकुलेट करेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो 28 से स्टार्ट हो रहा है बैच समर फाउंडेशन कोर्स फॉर रजिस्टर, यू कैन कॉन्टेक्ट दिस टू नंबर एंड यू ऑल्सो विजिट s@theasworld.com। थैंक यू।